Excuse me. हाँ बोलिए. Hi, I need your help. हाँ बोलिए मैम, कौन सी ड्रेस दिखाऊं? नहीं, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए. Actually, I need a favor from you. मतलब? मतलब कि तुम्हारे शोरूम में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर कस्टमर का जाना मना हो. हाँ, वो एक कैबिन है, वहाँ पर सारा कैश और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं. Perfect. क्या नाम बताया तुमने अपना? पूनम. पूनम. वैसे पूनम, तुम दिन में कितना कमा लेती हो? सॉरी, आई मीन लाइक पर डे, यू नो, हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे? मैम, यहाँ पर डे नहीं होता है, पर मंथ सैलरी होती है, 10,000 पर मंथ. पर आप ये सब क्यों? अप्रोक्सीमेटली 333, चलो 400 ही पकड़ लेते, राइट? बट हाउ अबाउट कि मैं अभी के अभी तुम्हें 2,000 रुपए दे दूं? 2,000 रुपए? मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, एक लड़की को तुम्हें फंसाना होगा, उस रिस्ट्रिक्टेड कमरे में ले जाना होगा और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना होगा. करोगी? हाँ, आप बताइए किस लड़की को भेजना है. सेल्स डालो ना, तो सेल्स पर फंसे रहो, डॉक्टर बनने की कोशिश क्या कर रही हो? वो लड़की, उसे तो फंसाने का काम मैं फ्री में ही कर देती. समझ लो आपका काम हो गया, बस पैसे तैयार रखना. अरे तनु, आलिया को देखा है क्या? नहीं देखा और ना ही देखना है मुझे. हाथ का गोला क्यों हो रही हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है. बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ नाम की है, वरना उसके जैसी सेल्फिश लड़की ना फ्रेंड कहलाने के लायक नहीं, बेस्ट फ्रेंड. क्या किया क्या उसने? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रही है. जब से पूरब और बुलबुल की शादी के बारे में सुना है, ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही है. कितनी बार पूछा मैंने कि हुआ क्या, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बताना. लेकिन हाँ, वो कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर कर रही है. चलो छोड़ो मुझे, लेकिन आप तो उसके भाई हो ना, वो भी बड़े भाई, आप क्यों नहीं पूछते उससे कि क्या हुआ? जो भी है छोड़ो, लेकिन आज के बाद मुझसे मत पूछना कि वो कहाँ है और क्यों है. सारे नमूने इसी घर में आने थे. हेलो, लो एक नमूनी मिली दूसरी से, अब इन्हें कौन रोकेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पति से इस तरह ऊंची आवाज में बात करो, ऐसी उंगली दिखा दिखा कर, कर क्या रही थी तुम? क्या कर रही थी मैं? कितनी झूठी है, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया. बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें तो. तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं हूं अभी इस घर में उनकी पत्नी, उनकी ढाल बनकर उनके सामने खड़ी रहूंगी, समझी? और तुम ना इस घर में मेहमान हो, शादी नहीं हो रही तुम्हारी, मालकिन बनने की कोशिश मत करो. देखो कुछ भी मत बोलो, मैं तो बस ऐसे कुछ नहीं, सच बोल रही हूँ मैं. अपनी आंखों से मैंने देखा है कि तुम उन पर चिल्ला रही थी, ऐसे उंगली दिखा दिखा कर. आज के बाद उनके आस पास भी मत दिखना, वरना. वरना क्या? ठीक है, अब तो जो नहीं किया ना मैं, वो भी करूंगी. क्या कर लोगी तुम? जिन आंखों से घूर रही हो ना, नोच लूंगी मैं. तुम मेरी आंखें नोचोगी? और ये जो जबान पटर पटर चलती है ना, कितनी चिलूंगी. अच्छा, हिम्मत तो छू के दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ. लिया मैंने, मेरी हिम्मत को मत ललकाना. मिताली क्या कर रही हो? तुम चुप रहो, ये दो औरतों के बीच का मामला है, तुम्हें नहीं पता ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है. लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हें ना वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा से ना मेरे पति से इस तरह चिल्लाकर बात भी मत करना और उनके आसपास भी मत दिखाई देना, नहीं तो मैं ना जबान भी खींचना जानती हूँ और आंखें नोचना भी. चलो राज. हाय जी. एक मिनट, आप रॉकस्टार अभी की वाइफ प्रज्ञा है ना? जी. तो आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आप मेरे साथ दूसरे ट्रायल रूम में चलिए, वहाँ पर कोई लाइन नहीं है. कोई बात नहीं, अभी मेरा नंबर आ ही जाएगा. नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबी लाइन है, आप चलिए प्लीज. ओके. समझो आधा काम हो गया, वो गई अंदर. You know what? Fantastic. तुमने जो काम किया है ना, उसका डबल पेमेंट मिलेगा. हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, यहाँ पर आसपास अभी भटकना भी मत, सीधा जाना घर या फिर शॉपिंग. Have a nice day.
पूनम, अब तुम्हें बस उस कमरे के पास अपने मैनेजर को लेकर जाना है, बाकी का काम वो खुद कर देगा। ओके मैम। अब आएगा मजा। आरी शोर की तुमने किसी को अंदर जाते हुए देखा? यस सर, एक लेडी थी। कौन है अंदर? प्लीज ओपन द डोर, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। एक सेकंड भाई साहब, क्या हो गया? स्टोर क्यों मचा रहे हैं? सर ये कुछ नहीं, ये सारे स्टोर के डॉक्यूमेंट्स और कैश हैं अंदर, और एक लड़की बिना परमिशन के अंदर घुस गई है, और मुझे लगता है कि वो चोरी करने के लिए अंदर गई है। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो अंदर जो कोई भी हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। देखो अगर तुम बाहर नहीं आना, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चुपचाप बाहर आओ। देखो ट्रायल रूम नॉक करता है क्या? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? कोई कपड़े चेक करने जाएगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अच्छा आप कपड़े चेक करने गई थी या फिर कैश चेक करने गई थी? क्या क्या, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? मैडम मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप चोरी करने गई थी ना अंदर? माइंड योर लैंग्वेज, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैडम बकवास आप कर रही हैं। हमारे स्टोर में इतने चेंजिंग रूम्स हैं और आप सबको छोड़ के इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गई हैं। ये जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। I'm sorry, वो दरअसल मैंने पढ़ा नहीं। Actually, वो किसी ने अरे वाह, आप तो चोरी के साथ साथ एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर लेती हैं। लेकिन ये एक्टिंग ना मेरे आगे नहीं चलेगी, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम जैसी लड़कियां यहाँ चेंजिंग करने आती हैं और चोरी करके ले जाती हैं। Enough! देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था। आपके ही स्टोर के किसी सेल्स गर्ल ने मुझे बोला कि मैं यहाँ कपड़े ट्राई कर सकती हूँ, इसलिए मैं अंदर गई थी। सेल्स गर्ल? ये सारी सेल्स गर्ल और ये लड़कियां भी यहीं पर हैं। अब बताइए जरा किसने आपको कहा ये रूम चेंजिंग रूम है? ये पता नहीं, अभी नजर नहीं आ रही। मैडम हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस रूम में मेरे सिवा किसी का अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। अभी खुलासा हो जाएगा। अरे सुनील पुलिस को फोन लगा। अब क्या करें, आप पुलिस को क्यों फोन करें? मैं कह रही हूँ ना कि मैं गलती से पूरा प्लीज कुछ। एक मिनट भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ये हमारे साथ है, मैं जानता हूँ। और इतनी ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अरे वाह, मतलब आप पूरी गैंग के साथ चोरी करने जाती हैं, ताकि अगर आप फंस जाए तो ये आपको आके बचा ले। हाँ लेकिन अभी नहीं बचोगे आप लोग। आपको समझ नहीं आता क्या, हमने कहा नहीं हमारे साथ, और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, आप बात को समझने की कोशिश करें। सिक्योरिटी, इन तीनों को पकड़कर इनके हाथ पैर बांधकर रूम में बंद कर दो। और हाँ, इस शातिर चोर पर खास नजर रखना। देखिए आप जानते नहीं है मैं कौन। कौन है आप? आप वीआईपी हैं? किसी मिनिस्टर की बेटी हैं या फिर किसी स्टार की बीवी हैं आप? हाँ मैं हूँ। वाओ, ये तो बिना कुछ किए काम हो गया। इसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मैं फ्री। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस ले रही। कैसी बातें कर रहा है अभी? तू कब से इतना सेल्फिश हो गया? वो भले तेरी दुश्मन है, पर है तो इंसान ना। जिस पे झूठा इल्जाम लग रहा है, तो कुछ तो इंसानियत दिखा। अरे पकड़ो इनको। सुनो तुम, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है सब? सर आप? वो कह रहे हैं? सर ये बहुत बड़ी चोर है सर, चोरी कर रही थी सर ये। और हाँ बस अब पुलिस आएगी और इनको सीधा अंदर कर देगी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर बोलेगी? तुमने इसे चोरी करते हुए देखा? सर वो देखा तो नहीं, बट इसके पास से तुम्हारे कोई पैसे मिले? लेकिन वो तो फिर तुमने इसे चोर क्यों बोला? तुम जानते हो ये कौन है? अरे एक मिनट में तुम्हारे पूरे स्टोर को खरीद के तुम पर चोरी का इल्जाम डालकर तुम्हें जेल के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन ये है कौन? ये मेरी
मेरी बॉस है। आपकी बॉस? और ये सर हो ही नहीं सकता। हाँ तो अगर ये चोर है तो फिर मैं भी चोर, मुझे ही पकड़ लो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप और चोर सर हो ही नहीं सकता सर। सर आप तो सुपरस्टार है सर, रॉकस्टार है सर, सर आप तो लोगों के दिलों में राज करते हैं सर, सर आपको कैसे, सर आप नहीं हो सकते सर चोर आप। तो जिस तरह मैं चोर नहीं, ये भी चोर। आई एम सॉरी सर, वी आर रियली वेरी सॉरी, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सर, लेकिन आगे से नहीं होगी। एंड मैम, मैम प्लीज आप माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहें तो मुझे जो सजा आपको लगे वो दे देना, लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दे मैम। और दी तो एक काम करना, ये पूरा मॉल खरीदना और उसके बाद इसे जॉब से हटा देना। अरे मैम मैम ऐसा मत कीजिए प्लीज मैम, अभी जॉब लगी है मेरी मैम, मेरे पेट पे लात मत मारिए मैम, मैम प्लीज मैम, सर 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 आप समझाइए ना मैम को। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। कोई कोई बात नहीं। जाओ यहाँ क्या। दिस इज नॉट डन। मेरा भाई, मेरा सगा भाई हमेशा मेरा प्लान के बीच में क्यों आ जाता है? पहले विजय के साथ मेरा मीटिंग स्पॉइल कर दी और फिर एंड मोमेंट पर आकर उस प्रज्ञा को बचा लिया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे उस बहन जी की इंसल्ट होते हुए देखकर, पर भाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी बीच में आने की? भूल क्यों जाते हैं कि उसी प्रज्ञा की वजह से आज उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पैसे पैसे के मोहताज हो गए हैं हम सब, गुलाम बन गए हैं हम सब उसके, उसकी वजह से भाई की जेब में ही नहीं, मुझे तो लगता है भाई की अकल पे भी ताले पड़ गए, मेरी दुश्मन बन गए। खैर छोड़ूंगी तो मैं उन्हें भी नहीं, देख लूंगी किसी दिन, पर सबसे पहले इस बहन जी का काम तमाम कर दूं, पूछती हूँ विजय से कहाँ तक बढ़ा उसका प्लान, अब कौन आ गया। आई होप तनु ना हो, वरना सारा गुस्सा उसी पे निकल जाएगा। राजभैया आप अंदर आ सकते हैं, कुछ जरूरी बात करनी। आइए ना प्लीज, कम बताइए ना क्या बात करनी। तुम विजय से मिलने गई थी, वो भी बिना बताए। हाँ गई थी, लेकिन आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम चोरी छुपे कुछ भी करोगी और हम बेखबर सोते रहेंगे? मुझे ये पता है कि तुम विजय से मिलने गई थी, और मुझे ये भी पता है कि अभी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया, और अभी ने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी। अभी ने तुम्हारे साथ क्या किया है ये तुम मुझे बताओ। ओ, तो विजय ने आपको फोन करके सब कुछ बता दिया? हाँ विजय ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है, और मुझे तो डर था कि तुम घर आओगी ही नहीं, मुझे तो लगा था कि अभी तुमको वहीं से जेल भेज देगा। ओ प्लीज राज भैया, कैसी बातें कर रहे हैं, भाई को बेवकूफ बनाना मेरी चुटकियों का काम है, आप तो अच्छे से जानते हैं। पर तुमने अभी से कहा क्या? You know, for a moment, to be very honest, मुझे तो लगा था कि मैं गई, लेकिन फिर लेकिन तुम विजय से मिलने क्यों गई थी? अरे of course ये जानने गई थी कि वो कौन इंसान है जो प्रज्ञा की हेल्प कर रहा है। लेकिन फिर भी आलिया। ओ प्लीज यार, आई मीन लाइक बहुत हो गया, अब मुझे आराम करना है, प्लीज विल यू टू एक्सक्यूज मी। पकड़ लिया। आप वॉल्यूम कम कीजिए इसका। तुम अपने कान बंद करो। नहीं अभी पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स अभी तक इसी के पास है, सो जब तक वो नहीं मिल जाते ना इससे पंगा मत। सोने से पहले ये दवाई खा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा और रात को नींद भी अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। थैंक्स किस लिए? आज शोरूम में मेरी साइड लेने के लिए, और आपने मेरी इंसल्ट नहीं होने दी इसलिए। देखो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे पता था आप यही बोले, आपने वो सब इसलिए किया ना ताकि कोई ये ना सोचे कि इतने बड़े रॉकस्टार की बॉस कैसी है। ओ, ट्यूबलाइट से बल्ब बन गई हो।
एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया है? देखो ये थैंक्स वैंक्स छोड़ो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। कैसा फेवर? वो इस कमरे में जितने भी कबर्ड्स और ड्रॉर्स है ना, तुम एक काम करो, उन सबकी चाबी निकाल कर मुझे दे दो। क्यों? वो मुझे उन सबकी डुप्लीकेट कीज बनानी। कभी कभी तुम बाहर चली जाती हो तो मुझे सामान नहीं मिलता, तो अगर मेरे पास भी चाबी हो तो दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी ना। आपको इन सब की फिक्र करने की जरूरत क्या है? अब से मैं कभी बाहर जाऊंगी ना तो आपके काम का सारा सामान बाहर निकाल कर जाऊंगी, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा वैसा कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए, कल रिसेप्शन है ना, बहुत सारा काम है। ए, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाला, जो काम करना है तुम ही करो, और देखो काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट जस्ट लाइक माय रॉक कॉन्सर्ट। कोई बात नहीं, आप सिर्फ वो डेकोरेटर और केटरर से बात कर लीजिएगा, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अपने सिर पे कोई झूठा इल्जाम नहीं चाहिए। झूठा इल्जाम? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बाद में बोलोगे कि मैंने वो केटरर और डेकोरेटर से कमीशन खाया है? इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला सिवाय इस दवाई को खाने के। काम ना करने का बहुत अच्छा, काम से बचने का नहीं, तुम्हें बिजी रखने का। तुम कान सीधे हाथ से पकड़ने दे नहीं रही तो मैं उल्टे हाथ से पकड़ूंगा, पर पकड़ूंगा जरूर। अब देखो कल मैं क्या करता हूं। रोनी, मुझे तेरा कोई भी काम पसंद नहीं, ये कैसे फूल लेके आया तू? रोनी मैं तुझे बहुत जिम्मेदार मानती थी। जिम्मेदार मानती थी नहीं दादी माँ, मैं तो हूँ। आप बोलिए ना क्या करना है। करना क्या है, बस ये जो फूल है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वापस कर ही नहीं, और इनकी जगह पे फ्रेश फूल ले क्या, अच्छे अच्छे। ठीक है दादी माँ, मैं करता हूँ, ठीक है ना। अरे फूल वाले, मिताली मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी सामान थी उसका क्या हुआ? दादी मैं भूल गई, प्लीज सॉरी। कोई काम ढंग कर नहीं करती। वो मैंने जो कार्ड बांटने का काम किसको दिया था मैंने? दादी 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 ये काम तो आपने ना मम्मी जी को दिया था। कोई मेहमान नहीं छूटना चाहिए, सबको कार्ड मिलने चाहिए, और मुझे 100% गारंटी कि मम्मी जी ने वो काम नहीं किया। नहीं किया ना आपने? नहीं किया ना। अब बेटी एक मिनट में कर देती हूँ ना मैं अभी। हाय रब्बा, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा, सब लोग मेहमानों की तरह बैठे हैं, लगता है मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। अरे तू किधर जा रहा है, इधर जा, ये काम भी मैं ही कर देती हूँ, तू जाके ना आराम कर। अगर ये ऐसी बॉस बनी बैठी रही ना तो मैं अपना काम कैसे करूंगा, इसका बिजी रहना बहुत जरूरी है, क्या करूं? अरे दासी दासी इधर आई, आप देख रही हैं कि हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? अरे दासी वो मुगैम्बो वहां पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही है, और दादी काम करिए वहां पर। कि बॉस है इसका मतलब है बैठ के मैगजीन पढ़ेगी, और सब लोग क्या काम करेंगे? वही तो, ना जादू चलाइए, उस मुगैम्बो से काम करवाइए। ए उठो, आउ आउ, हटो यहाँ से, हटो। शर्म नहीं आ रही है? सब छोटे बड़े काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बहन का फंक्शन है, तुम अगर थोड़ा सा काम कर लोगी ना तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं घस जाएंगे। मैं अपना काम कर चुकी। तुम क्या काम कर चुकी हो? अपना पैसे दे चुकी, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ओ हो हो जी, अब मैं आपको बताती हूँ। मिताली अजय सब रुक जाओ, कोई काम नहीं करेगा, रुको रुको रुको। अब जब तक ये प्रज्ञा काम नहीं करेगी इस घर में कोई भी बनता एक तिनका भी नहीं उठाएगा। हाँ ये तो क्या कर रही है, काम क्यों रुकवा रही है? दीदी 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 दीदी, अब जब तक वो प्रज्ञा खुद काम नहीं करेगी ना तो इस घर का छोटा बड़ा कोई बंदा काम नहीं करेगा। इसका पैसा अगर वेस्ट हो रहा है ना तो हो जाने दो। मैंने सोचा था कि आज के दिन आप लोगों को फ्रीडम गिफ्ट कर दूंगी। मुझे लगता है आप लोगों को फ्रीडम की आदत ही नहीं रही। अब इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जैसे कि सबसे पहले घर का सारा
सारा डेकोरेशन निकाल कर दोबारा लगवाया जाएगा। जिसकी इंचार्ज होंगी मिताली भाभी। सारा डेकोरेशन दोबारा निकलवाइए फिर लगवाइए, ओके? और तुम वेल डन दासी, अब मैं उस ड्रॉअर से पेपर्स आसानी से निकाल पाऊंगा। ओह माय गॉड, ये तो सबको काम दिए जा रहे हैं। यू नो व्हाट, तुम भी यहाँ से चलो वरना तुम्हें भी कोई काम सौंप देगी। तनु आई एम फाइन, तुम अपना देखो। यू नो व्हाट आलिया, मैं जब भी तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती हूँ ना, अच्छा सोचती हूँ, तो तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखाती हो। ठीक है, तुम यहाँ पे भुगतो, मैं जा रही हूँ। मुझे किसी भी तरह विजय को आज इस घर के अंदर लाना ही होगा।